नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। भारत में जहां कोरोना के चलते हुए इसी महीने शुरू होने वाले मुस्लिमों के रमजान को देखते हुए कई राज्य अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी सरकार का और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रमजान को लेकर मुसलमानों को खास निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में रह रहे मुसलमान रमजान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का वैसे ही पालन करेंगे जैसा कि ईसाइयों ने अपने त्यौहार ईस्टर के समय किया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने टिप्पणी के बाद एक रूढ़िवादी टिप्पणीकार के रीट्वीट का बचाव करने के लिए कहा, जो यह सवाल करते थे कि क्या मुसलमानों के साथ भी उसी तरह गंभीरता के साथ व्यवहार किया जाएगा जैसा कि शारीरिक दूरी के नियमों को तोड़ने वाले ईसाइयों के साथ था, तो ट्रंप ने कहा कि मैं कहूंगा कि अंतर हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि हमें देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि मैंने इस देश में बहुत असमानता देखी है। वो कुछ लोग हैं जो ईसाइयों के चर्च के बाहर जाते हैं, लेकिन वे मस्जिदों के बाहर ऐसा नहीं करते। यहाँ आपको बताते चलें कि रमजान ईस्टर के एक डेढ़ हफ्ते बाद शुरू हो रहा है। जब ईस्टर पर कुछ ईसाइयों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों का पालन नहीं किया, तो क्या इमाम इसका पालन करने से इनकार करेंगे? इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो विश्वास में विश्वास करता हूँ, और यह मायने रखता है कि आपका विश्वास क्या है, लेकिन हमारे राजनेता अलग अलग विश्वासों के साथ व्यवहार करते हैं। फिलहाल जिस तरह के लचीले स्वर में अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी बात सामने रख रहे हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब उनके देश को दुआओं की सख्त जरूरत है, क्योंकि रोजाना हजारों की संख्या में लोग दम तोड़ रहे हैं। धन्यवाद।